नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज। इस वक्त मौजूद है हम जींद के कोर्ट में और आज कांग्रेस नेत्री जो है किरण चौधरी जी जींद में आई है, उनसे हम बात करेंगे, कुछ सवाल हमारे हैं। तो मैडम नमस्कार, आज किस खास प्रोग्राम को लेकर जींद में आगमन हुआ? बार के प्रधान ने और सारे बार के सदस्यों ने मुझे बुलाया था। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे बार में आने के बाद, क्योंकि मैं भी एक वकील हूँ और मैंने भी 10 साल जो है सुप्रीम कोर्ट में वकालत करी है, तो अपनी बिरादरी के अंदर आके अच्छा तो लगता ही है। जी मैडम, उपचुनाव चला हुआ है आदमपुर का, तो क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी की रहेगी? जीतने की रणनीति रहेगी जी। मैडम एक क्वेश्चन और है, जिस तरह से राजीव गांधी जी के टाइम में, इंदिरा गांधी जी के टाइम में 100% जो है दलित वोट बैंक उनके पक्ष में होता था, आज कहीं ना कहीं 99% दूर हो चुका है, क्या रीजन रहा है? अब इसके तो बहुत कुछ सारे नेता कारण थे, कुछ नेता थे, लीडर थे, उन्होंने आरोप भी लगाया है भी हमें वो वैल्यू नहीं दी गई जो हमें जरूरत थी भारतीय संविधानिक तौर पे भी। बहुत कारण रहे हैं भैया, समय के बदलाव पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जाती हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है, जो कांग्रेस पार्टी है वो पिछड़े वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, जो हैव नॉट्स हैं उनके लिए जो है हमारी पार्टी हमेशा अग्रणी रही है और आगे खड़ी। मैडम ने शुरुआत भी की है, कांग्रेस पार्टी हमेशा गुटबाजियों में रही है और वही उनके पीछे हटने का कारण रहा, कांग्रेस पार्टी के सत्र को डाउन करने का कारण रहा। आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे ये फाइट चली हुई है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो है, हमारा इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन तो जो है, मैं तो कहती हूँ एक संवैधानिक तरीके से हो रहा है और प्रजातंत्र के अंदर जो है इस तरह से इलेक्शन होके कोई आएगा ये तो और भी अच्छी बात है, ज्वलंत और पार्टी को करेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है। कुलदीप बिश्नोई जी पहले कांग्रेस में था, बीजेपी में चले गए, तो क्या सीट उसका असर पड़ेगा? ये तो अब कोई ऐसा गर्भ के अंदर जो बात है वो मैं कैसे बता सकती हूँ, वो 3 तारीख को आपको पता चलेगी। ऐसे कई मुद्दे थे लेकिन कई सवाल हमारे रह गए, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे आदमपुर जाएंगे, वहाँ पर जो है हमारे जो क्वेश्चन है वो हम इनसे लगातार करेंगे। तब तक बने रहिए जसवंत कनेला के साथ PC24 न्यूज़ पर। जय हिंद। Thank you.